हेलो एवरीवन, वेलकम टू आस्थाज किचन। आज हम बनाने वाले हैं गाजर मूली और हरी मिर्च का इंस्टेंट अचार। यह झटपट बनके तैयार होता है, इसे धूप में सुखाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 3 मूली, 2 गाजर और 15 से 16 हरी मिर्च ले लिया है और इसे अच्छे से धोकर गाजर मूली का छिलका उतार कर फिंगर कट कर लिया है। इसके बाद हमने इसे 3 से 4 घंटे पंखे की हवा में सुखा लिया। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 1 बड़ा चम्मच काली सरसों, 1 बड़ा चम्मच पीली सरसों लिया है और इनको हल्का रोस्ट कर लिया है। इसके बाद 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 1 बड़ा चम्मच जीरा, 15 से 16 दाने काली मिर्च, छोटा चम्मच मेथी दाना, 2 बड़े चम्मच धनिया, 1 छोटा चम्मच अजवाइन डालकर रोस्ट कर लेंगे। इनको बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस इतना कि इनसे भीनी भीनी खुशबू आने लगे और इनका कलर हल्का सा चेंज हो जाए। अब हम इन्हें थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ये हल्के से गर्म हो तभी हम इस ग्राइंडर में डालकर इसका दरदरा पाउडर बना लेंगे। पाउडर एकदम फाइन नहीं करेंगे जैसा कि आप देख रही हैं। अब हम सरसों का तेल गर्म कर लेंगे। तेल को हल्का सा धुआं निकलने तक ही गर्म करेंगे। इसके बाद इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। यह जब तक ठंडा हो रहा है हम बाकी काम कर लेते हैं। बाउल में हम कटे हुए गाजर मूली और हरी मिर्च को एक साथ डाल देंगे। आप जानती हैं गाजर में विटामिन ई पाया जाता है। इसके नियमित सेवन से आंखों की रोशनी बढ़ती है। गाजर में बीटा कैरोटीन होती है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है और मोतियाबिंद से आँखों की रक्षा करती है। गाजर में प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है जो पाचन शक्ति को बढ़ाता है। गाजर का नियमित सेवन करने से या गाजर का जूस पीने से हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है और चेहरे पर चमक भी आती है। अब हम इसमें जो मसाले हमने अभी तैयार किए हैं उन्हें डालेंगे। इसके बाद 1/2 छोटी चम्मच कलौंजी, 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर और 2 छोटी चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार घटा बढ़ा लीजिए। तो 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा ऑयल डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। तीन चुटकी हींग हम इसमें डाल देंगे। यह इंस्टेंट पिकल है, इसे आप फ्रिज में रखकर 2 से 3 हफ्ते तक यूज कर सकती हैं। यदि आपको लंबे समय तक अचार को रखना हो तो आप इसे कट करने के बाद 5 से 6 दिन तक धूप में सुखा लीजिए, उसके बाद इसका अचार बनाइए और बाकी प्रोसेस सेम ही है।